रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नालागढ़ के आजाद विधायक बिके हुए हैं। यह पहले ऐसे आजाद विधायक हैं जो इस्तीफा स्वीकार करवाने के लिए विधानसभा के बाहर धरना दे रहे हैं। हाई कोर्ट में इस्तीफा मंजूर कराने गए लेकिन वहां भी मुंह की खानी पड़ी। नालागढ़ के विधायक का नया नाम केएल बीके है। उन्हें मेरी तरफ से दिया गया सम्मान नहीं, भाजपा की तरफ से अटैची में भरकर दिया गया सामान पसंद आया। बिकाऊ पूर्व विधायक आजाद चुनकर गए थे, उन्हें किस बात का डर था? वह भाजपा की राजनीतिक मंडी में बिके हैं, इसलिए एक माह तक घर नहीं आए। वह भी सरकार गिराने के लिए भाजपा की ओर से रची गई साजिश में शामिल है। उन्होंने नालागढ़ की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। बद्दी से हमारे संवाददाता सतीश जैन की रिपोर्ट। आपके समय हमारे यहाँ ओबीसी है, वहाँ पे बीसी है, हमारे गुर्जर ब्रादरी के लोग बैठे हैं, सैनी ब्रादरी के लोग बैठे हैं, उन सभी को अपने ओबीसी का दर्जा जो है वो इक्वल दर्जा दिलाना है ताकि समस्या से निजात मिले। धन्यवाद। हिमाचल सरकार ने हमारे हेल्थ मिनिस्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी, हिमाचल सरकार में सीपीएस राम कुमार चौधरी जी, इस क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी और कसौली के विधायक हमारे छोटे भाई विनोद सुल्तानपुरी जी, इंटक के अध्यक्ष हरदीप बाबा जी, शिव कुमार जी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, कुमता ठाकुर जी हमारे प्रेसिडेंट, राहुल ठाकुर जी पूर्व जिला अध्यक्ष, चौधरी मदन जी पूर्व अध्यक्ष, अंशी चौधरी हरभजन जी प्रेसिडेंट ट्रक यूनियन नालागढ़, तकसीम चौधरी अध्यक्ष, अच्छा पाल कौशल जी पूर्व प्रधान, संदीप कुमार अध्यक्ष, सुरजीत चौधरी पार्षद वार्ड नंबर 9, सोमवार वर्मा पूर्व अध्यक्ष बीसीसी, श्री मान सिंह प्रधान व्यापार मंडल, बीना रघुवंशी जी अध्यक्ष महिला ब्लॉक कांग्रेस, श्रीमती मंजू शर्मा जी जिला अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस, सभी सम्मानित दूर क्षेत्र के बद्दी क्षेत्र के सभी बुजुर्ग माताएं बहने युवा साथियों प्यारे बच्चों, अभी मैं राम कुमार जी का वक्तव्य सुन रहा था। राम कुमार जी कह रहे थे कि दूर से अधिक मतों की लीड दिलाइए, ये मेरी इज्जत का सवाल है, सुल्तानपुरी जी की इज्जत का सवाल है, मुख्यमंत्री जी की इज्जत का सवाल है। ये सवाल महज इज्जत का नहीं है, ये सवाल महज मतों की लीड का नहीं है, ये सवाल है कि क्या हिमाचल प्रदेश की जनता भविष्य में लोकतंत्र की दशा तय करेगी, दिशा तय करेगी। 75 साल की आजादी के बाद हिमाचल प्रदेश में 27 फरवरी को एक काला अध्याय लिखा गया। 15 महीने पहले आपने हमको आशीर्वाद देकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। हिमाचल के इतिहास में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि किसी चुनी हुई सरकार को और जो सत्ता की भूख है उसको पैसे के जरिए उस कुर्सी को प्राप्त किया जाए। ये पहली बार हिमाचल के इतिहास में हुआ आजादी के बाद, और एक ऐसा काला अध्याय लिखा गया जहां सरेआम विधायकों की खींच की खींच प्रोगत हुई, सरेआम विधायकों को खरीदा गया। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात हिमाचल की अस्मिता की है, हिमाचल के स्वाभिमान की है। राज्यसभा के चुनाव हुए, राज्यसभा के चुनाव के समय बजट सेशन था,
और राज्यसभा के चुनाव में 6 कांग्रेस के विधायक जो राजनीतिक मंडी में बिके, उन्होंने पैसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाले और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने के बाद वो सीधा विधानसभा के परिसर से हरियाणा सरकार का हॉलिडे इन है वहां गए। मैंने कहा 27 तारीख को राज्यसभा का परिणाम निकला, हम राज्यसभा की सीट हार गए। हमें पता लगा कि कांग्रेस के 6 बिगड़े हुए विधायकों ने अपना वोट कांग्रेस प्रत्याशी को नहीं डाला। मैंने पूछा कि वो हरियाणा क्यों गए हैं, कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन फिर वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से विधानसभा के ऊपर से उड़कर अनाडेल पहुंचते हैं। एक हेलीकॉप्टर आता है, दूसरा है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।